दोस्तों, यूपी की बीजेपी सरकार आखिरी 6 महीनों में चल रही है। यूपी से लेकर दिल्ली तक 4 लाख रोजगार देने की होल्डिंग लगवाकर डंका पीट दिया गया है कि हमने बहुत रोजगार दिए हैं, हम ही हैं रोजगार देने वाले सबसे बड़े राजा, हमसे बड़ा रोजगार देने वाला कभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि लखनऊ में पिछले 1 महीने से पढ़े लिखे शिक्षक, परीक्षा दे चुके बेरोजगार शिक्षक नौकरी मांग रहे हैं, उनको पुलिस पीट रही है, मार रही है, भगा रही है, दुत्कार रही है। लखनऊ में बेरोजगार शिक्षकों की हालत कुत्ते से बदतर हो चुकी है। बेरोजगार शिक्षक गोमती में कूद रहे हैं, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार इसी बात से गलगल है कि उसने 4 लाख रोजगार दे दिए हैं। 4 लाख रोजगारों में उन लोगों को भी गिन डाला है जो कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई दरदोजी कर रहा है। भाई साहब, गिनती तो ऐसे कर ली है कि इनकी सरकार के भीतर कोई पंचर बना रहा है और वो इनकी सरकार होते हुए भी बनाने में कामयाब है, तो भी गिनती 4 लाख रोजगार में कर ली गई है। पिछले 1 महीने से बेरोजगार शिक्षक धरना दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार कान में रुई लगाकर सो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि नौकरी मांगने वाले नौजवानों की पीठ को पायदान बना देने वालों, ये जुल्म याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा कि किस तरह से महिलाओं और पुरुष अभ्यर्थियों को इसलिए पीटा गया था क्योंकि वो नौकरी मांग रहे थे। यूपी की तेज तर्रार और मशहूर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने बेरोजगारों का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि रोजगार में नंबर 1 हो चुके उत्तर प्रदेश की होल्डिंगों में ये बेरोजगार शामिल नहीं है। दुर्भाग्य से ये यूपी में रहते हैं और 1 महीने से लखनऊ में सरकार के दरवाजे पर पड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्रकार ब्रजेश मिश्रा ने कहा कि टीचर भर्ती की मांग कर रहे नौजवानों को पीटना, उन पर थप्पड़ बरसाना, लाठी मारना, अपमानित करना, ये तरीका अन्यायपूर्ण है। अपने हक की आवाज उठाने का अख्तियार इन्हें है, सरकार को इन्होंने चुना है, अपने हक की बात कहने आए हैं, इनकी बात सुनिए। लाठी डंडा और थप्पड़ खाने से रुकने वाले नहीं है। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने कहा कि कल ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर लखनऊ में योगी जी की पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, आज एक अभ्यर्थी ने नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया है। युवा बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं और योगी जी नौकरियां देने का झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आशीष यादव ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि पिछड़ों दलितों के बेटे बेटियां लाठी खा रहे हैं, इन्हीं का वोट लेकर अत्याचारी सत्ता में मलाई खा रहे हैं। दोस्तों, यूपी में रोजगार और नौकरी देने में हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करते थे, 7 साल हो गए हैं, 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। योगी जी 5 साल में 4 लाख रोजगार देकर ही खुश हैं और बेरोजगार नदियों में कूद रहे हैं। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।